खबर है जयपुर से, जहां झोटवाड़ा थाना क्षेत्र में हुई बुजुर्ग महिला की हत्या। राजधानी में झोटवाड़ा इलाके में बुधवार को लोहे के पीपे बनाने की फैक्ट्री में 75 वर्षीय मालकिन की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। मौत को हत्या से जोड़कर देखा जा रहा है। मृतका महिला का शव फैक्ट्री में बने एक कमरे में मिला। उसके सिर में चोट से गहरा जख्म मिला है। कमरे के आसपास फर्श पर खून के काफी छींटे बिखरे हुए नजर आए। जानकारी के अनुसार मृतका निर्मला खेमका है। झोटवाड़ा के शालीमार चौराहे के पास स्थित उनकी प्लांट नंबर 76B में लोहे की पीपे बनाने की फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में 3 कमरे बने हुए हैं। निर्मला खेमका यहां अकेली रहती थी, जबकि उनका बेटा राजेश, बहू और बाकी परिवार शास्त्री नगर इलाके में सुभाष नगर में रहते हैं। वे फैक्ट्री के कामकाज पूरा होने पर रोजाना घर चले जाते थे। मंगलवार को भी रोजाना की तरह घर चले गए। इसके बाद निर्मला देवी फैक्ट्री में अकेली थी। बुधवार सुबह राजेश का ड्राइवर महेंद्र सुबह करीब 10 बजे फैक्ट्री पहुंचा, तब अंदर कमरे में मालकिन निर्मला फर्श पर मृत पड़ी मिली। वहां खून के छींटे बिखरे हुए थे जो कि सूख चुके थे। ये देखकर ड्राइवर महेंद्र ने मृतका निर्मला के बेटे राजेश को फोन पर जानकारी दी। इसके बाद बेटे बहू फैक्ट्री पहुंचे, पुलिस को सूचना दी। तब सूचना मिलने पर SCP झोटवाड़ा हरिशंकर शर्मा सहित SL टीम और थाना अधिकारी विक्रम सिंह भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है, साथ ही अन्य पहलुओं पर भी जांच की जा रही है।